नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के खंडवा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आरएसएस द्वारा अंग्रेजों का साथ देने को लेकर दिए बयान पर भाजपा ने उनकी समझ पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री हितानंद ने कहा कि जिन्हें इतिहास का ज्ञान ना हो वे केवल जनता को गुमराह ही करेंगे। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। दरअसल राहुल ने टंटिया मामा की जन्मस्थली बड़ौदा अहीर में आयोजित सभा में कहा था कि जनजातीय जननायक टंटिया मामा को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया और पूरी दुनिया जानती है कि आरएसएस और उसकी विचारधारा ने अंग्रेजों की मदद की। राहुल गांधी द्वारा आरएसएस को लेकर कही गई बात पर भाजपा नेताओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त कर उनकी समझ पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई। बिरसा मुंडा का बलिदान वर्ष 1900, टंटिया मामा का 1889, राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का 1857 में हुआ। ऐसे कई जनजातीय महापुरुष रहे जिनका बलिदान संघ की स्थापना के पहले ही हो गया था। जनता को गुमराह किया जा रहा है। राहुल गांधी के बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी की मानसिक आयु बहुत कम है, बुद्धि या तो है नहीं या फिर उसका उपयोग नहीं करते हैं। संघ की स्थापना वर्ष 1925 में हुई। हमारे जो क्रांति नायक हैं, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो या फिर टंटिया मामा, इनका बलिदान वर्ष 1900 के पहले हो गया था, तब संघ था कहाँ? इन पर कौन भरोसा करेगा? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता है। इसके पूर्व उन्होंने वीर सावरकर को लेकर भी इसी तरह की बात कही थी। इस बयान की संघ से जुड़े विचारक प्रशांत पोल ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि संघ प्रारंभ से ही अंग्रेजों के विरुद्ध रहा है। यहाँ तक कि संघ की प्रार्थना में ही स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरोध की बात कही गई। संघ संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कोलकाता में कई बार जेल गए। साथ ही सैकड़ों संघ कार्यकर्ता सत्याग्रहों में शामिल हुए और जेल गए। इसलिए राहुल गांधी का यह कहना कि संघ ने अंग्रेजों की मदद की मूर्खता है। ये राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए यात्रा कर रहे हैं या भारत तोड़ने वालों को जोड़ रहे हैं यात्रा से? सरेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना क्या शर्म नहीं आती कांग्रेस को? कांग्रेस ने पहले भी देश को तोड़ा है और आज भी जिस तरह के लोग यात्रा से जुड़ रहे हैं वो कांग्रेस की मानसिकता को उजागर करता है और ये मानसिकता जोड़ने की नहीं तोड़ने की मानसिकता है। जिन्होंने भी ये नारे लगाए हैं वो कभी माफ़ नहीं किए जाएंगे। मैंने जांच के निर्देश दे दिए, उनके खिलाफ सख्ततम कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ट्वीट करके ये वीडियो वायरल किया जा रहा है। खुद वीडियो डाल रहे हैं वो और बाद में खुद डिलीट कर रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई? चोरी और सीना चोरी।